हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, ये हमारा एक बरनी घी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बहुत गंदी सी स्मेल आने लगी थी। इसमें ऐसा हमने क्या डाला है देखिए, एक इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है और इसमें इतनी अच्छी सी स्मेल और खुशबू आने लगी है। तो देखिए हमारा ये वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा और देखिए पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आप लोग जानते हैं कि हम अपने मायके चले गए थे और घर में भी शादी थी, तो काफी टाइम से हम इस घी को टच नहीं करके देख पाए थे। तो देखिए इसमें एक अजीब सी महक आने लगी है, स्मेल आने लगी है, क्योंकि पुराने घी में आने लगती है इसमें। तो आज हम उसको दूर करने का तरीका बताएंगे, ठीक है, और देखते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि हमने ये ट्रिक पहले घर में अपनाई है अपने आप। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पहले इसको हमने किया अपने घर में, उसके बाद ही हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये डाउट तो बिल्कुल दूर हो जाएगा कि ये कमी हम पूरी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस स्मेल को हम कैसे दूर करते हैं। तो देखिए ये कढ़ाई ले ली हम, सारा घी अपना इस कढ़ाई में पलट लेंगे, ठीक है, तो पलटते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सारा बर्तन में कर लिया है घी, ठीक है। घी हमारा लगभग 1.5 केजी है, ठीक है, घी 1.5 केजी है। तो अब फ्लेम अपनी ऑन करते हैं और घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। देख रहे होंगे कहीं कहीं ब्लैक है, कहीं कहीं ये रेसे जैसे दिख रहे हैं, तो इन्हीं को हटाना है। बस इसको अच्छे से गर्म करेंगे, फिर देखिए हम क्या करते हैं। देखिए गाइस, घी रोज रोज नहीं खरीद सकते, एक बार खरीद लेते तो वो रखा रहता है। आप खास तौर से कभी 3 के बर्तन में रखा रहा या प्लास्टिक के बर्तन में हमने रख दिया, तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, जो कि गंदी लगती है और बच्चे हों या बड़े कोई खाना पसंद नहीं करते उस चीज को, ठीक है। तो इसी स्मेल को हम दूर करने का अच्छे से तरीका बताएंगे। तो ये सारा घी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, सारा घी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका घी बार बार गर्म ना करना पड़ेगा और आपके घी में बिल्कुल स्मेल ना आए, बिल्कुल भी नहीं, जिस समय आप बनाते हैं घी और सोचते हैं अगर हम लंबे समय तक रखना चाहें घी को, तो बस वीडियो हमारी देखते रहिए, लास्ट में हम वो ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपके घी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी, आपको बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा, घी के बारे में हम पूरी बातें बताएंगे आपको। देखिए गाइस, घी हमारा मेल्ट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो अब इसमें हम अच्छे से, ये देखिए ये क्या है, मतलब लेमन, देखिए लेमन में विटामिन सी भी होता है, ठीक है, जो कि वो खत्म करने की इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत इसका स्मेल होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ये हम पूरा आधा नींबू ऐड कर देंगे। देखिए हमारा घी ज्यादा है, अगर आपका थोड़ा सा हो तो आप थोड़ा सा ऐड करिएगा, ठीक है। ये देखिए हमने आधा नींबू जो है इसमें ऐड कर दिया है, देखिए आवाज भी आने लगी और ये ऊपर जो बबल्स आ रहे हैं, ये हमारी जितनी भी घी में इम्प्योरिटी होगी सारी की सारी ऊपर आ जाएगी इसी तरह से। तो अब हम हल्का हल्का सा ऐसे चला देंगे और इसको घी को पका लेंगे, जब इसमें आवाज आना बंद हो जाएगी तब हम बंद करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पकाना है अब। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे इसमें कितना सारा झाग आ गया है ऊपर, तो यही हमारी इम्प्योरिटी है जिसको हम छान कर अलग कर लेंगे, लेकिन अभी पकाना है क्योंकि अभी इसमें आवाज आ रही है, ठीक है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तो इसमें आवाज आना बंद हो जाएगी और स्मेल भी बहुत अच्छी आने लगेगी। एक बात और गाइस, अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप पान का पत्ता या फिर आप लेमन की लीफ डाल सकते हैं, यानी नींबू की पत्तियां भी इसमें ऐड करी जा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और पकाएंगे इसको और आप देखते रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि जिस टाइम आप घी गरम करते हैं उसी टाइम वो एक चीज डाल दीजिए, दो चीजें डाल दीजिए आप, तो आपका घी कभी भी घी आपका खराब हो ही नहीं सकता है। तो देखिए देखते रहिएगा। ये देखिए गाइस, इस समय बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, ठीक है। और ये देखिए सारा का सारा जितना भी हमारा कूड़ा कचरा था, सारा का सारा जो भी गंदगी थी घी की, वो सब बाहर आ गई है। देखिए हम इसमें दिखा रहे हैं ये सारा झाग। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे, देखिए आवाज सुनिए, आवाज भी इसमें नहीं आ रही है।
ये देखिए, सुना आपने गाइस, इसमें बिल्कुल घी में बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। तो इस टाइम पर हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखिए घी भी देखिए कितना साफ हो गया है। तो अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद गाइस ये चीज याद रखिएगा, आप हमेशा ही आप जैसे घी मोल भी मंगाते हैं, बाय करते हैं घी को, तो भी अगर कांच के कंटेनर में ना हो, प्लास्टिक के या अल्मोनियम के कंटेनर में हो या टिन में हो, ठीक है, तो उसको निकालकर सबसे पहले आप कांच के बर्तन में करिए, क्योंकि ये घी जो होता है वो कांच के बर्तन में रखो ना तो वो खराब नहीं होता जल्दी से। और भी देखते रहेगा, जब ठंडा हो जाएगा ना घी हमारा, जब हम बर्तन में करेंगे इसको, तब भी हम एक टिप और बताएंगे, एक से दो चीजें जो आप घी गर्म करने के बाद में जब छान के बर्तन में रखते हैं तब वो दो चीजें डाल दें अगर, तो आपको कभी घी दोबारा गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कभी खराब ही नहीं होगा। तो चलिए ठंडा होता है फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, घी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है और बिल्कुल साफ निकल के आ गया, जितनी भी इनप्योरिटी थी वो सारी की सारी जल के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो इसको छानेंगे, ये देखिए, ये हमने अपना रुमाल ले लिया है, ये कॉटन का रुमाल है, ठीक है, ये कॉटन का रुमाल है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया साबुन लगा के अच्छे से, और अब हम अपने घी को इसी रुमाल से छानेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरह से डोरी से हमने इसको बांध दिया है जिसे हटे नहीं हमारा, और अब हम धीरे धीरे करके इसको छान लेंगे, ठीक है, इस तरह से करके इसमें ऐड डालेंगे और ये छनता चला जाएगा हमारी बर्नी में, ठीक है। तो इस तरह से हम सारा छान लेंगे अपने घी को आराम से। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे कि हमने अपना घी छान कर इसमें रख लिया है, ये देखिए कितनी साइज की इम्प्योरिटी निकली जो कि इसी घी के छन्नी में आ गई है। तो इसको खोलेंगे और दिखाते हैं हम आपको खोल के। ये देखिए गाइस, हमारा बिल्कुल अच्छा सा शुद्ध बिल्कुल बढ़िया घी बनकर रेडी है। और एक बात गाइस, इसको ना देखिए, ये बिल्कुल भी अब खराब नहीं इसमें स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और ये अब नहीं खराब होने वाला। और एक बार गाइस, आप जाना सोचते हैं कि अगर हमारा घी बिल्कुल अच्छा रहे तो उस पर 4 से 5 काली मिर्च ऐड कर दीजिए या लौंग ऐड कर दीजिए और फिर ढक के रख दीजिए, और या तो फिर आप इसको फ्रिज में रख लीजिए ढककर, आपका लंबे समय तक घी बिल्कुल खराब नहीं होगा और ये बहुत अच्छा यम्मी बना रहेगा। तो चलिए आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हमारी वीडियो प्लीज, आप लोगों से लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो पूरा देखा करें, और अगर नहीं देखना है तो फिर बिल्कुल मत देखें, और अगर आपने देखा है तो फिर पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।